लोक व्यवहार अध्याय एक। शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पे लात नहीं मारते। सन 1931 के 7 मई को न्यूयॉर्क में एक बड़ी मुठभेड़ हो रही थी। यह मुठभेड़ उस समय अपने अंतिम पड़ाव पर थी, इसलिए लोगों के बीच इसका बहुत रोमांच था। महीनों तक लुका छिपी का खेल खेलने के बाद अंत में हत्यारे कॉर्ले को चारों ओर से घेर लिया गया था। वहां पर वह दुनाली बंदूक नाम से मशहूर था, जो हत्यारा इस समय चारों ओर से घिरा हुआ था और वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर छिपा हुआ था। वह हत्यारा ना तो सिगरेट पीता था, ना शराब को हाथ तक लगाता था। वह ऊपर की मंजिल में छिपा हुआ था और 150 से अधिक पुलिस वाले और जासूस धरती से लेकर छत तक उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। पुलिस वालों ने छत में छेद करके तथा टियर गैस का इस्तेमाल करके इस कुख्यात हत्यारों को निकालना चाहा। आसपास की इमारतों पर भी मशीन गने तैनात थी तथा एक घंटे तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा बंदूकों से गोलियों की बरसात होती रही। कॉर्ले एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। हजारों लोग पुलिस और हथियार की इस मुठभेड़ का रोमांच आनंद ले रहे थे। शायद ही इससे पहले न्यूयॉर्क शहर में ऐसा दृश्य सामने आया हो। अंत में कॉर्ले को पकड़ लिया गया। पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने बताया कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा, वह इतना चौकन्ना और चुस्त था कि पंख फरफराने की आहट पर ही किसी को भी मार देता था। लेकिन दुनाली बंदूक खुद अपनी नजरों में क्या था, हमें इस बात की जानकारी इसलिए मिल सकी क्योंकि जब पुलिस उस पर गोलियां की बौछार कर रही थी, उस समय कॉर्ले ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखते समय उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए थे। इस चिट्ठी में कॉर्ले ने लिखा था, मेरे कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पत्र लिखने के कुछ समय पहले की यह बात है। एक बार कॉर्ले लिंग आइलैंड पर गांव की सुनसान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर रहा था। अकस्मात ही एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर उससे लाइसेंस दिखाने के लिए कहने लगा। इतनी सी बात की सजा पुलिस वालों को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। कॉर्ले ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी रिवॉल्वर निकाल कर पुलिस वाले के सीने को गोलियों से छन्नी कर दिया। जैसे ही पुलिस वाला जमीन पर गिर गया तो कॉर्ले ने एक और गोली उसे मरे हुए अफसर के सीने में दाग दी। सोचिए, इतना क्रूर और जालिम व्यक्ति यह कह रहा था, मेरी इस कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। कॉर्ले की मौत की सजा सुना दी गई। जिस समय उसे सिंग सिंग कैदखाने में मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था तो सोचिए उसने क्या कहा होगा। क्या यह कि यह लोगों की जान लेने की सजा है? नहीं, उसने तो कहा था यह स्वयं को बचाने की सजा है। तो इस कहानी की सार यह निकलता है कि दुनाली बंदूक कॉर्ले स्वयं को किसी बात के लिए भी दोषी नहीं ठहराता था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात है? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपने जीवन के स्वर्णिम दिन लोगों की भलाई करने में गवा दिए ताकि वे सुखी जीवन जी सके, लेकिन इसके बदले में मुझे केवल गालियां ही सुनने को मिली और पुलिस से छिप छिप कर भागना पड़ा। ये शब्द अमेरिका के सबसे कुख्यात बदमाश अल कैपोन के थे। वह शिकागो का सबसे खतरनाक गैंग लीडर था, लेकिन अन्य अपराधियों की भांति अल कैपोन भी अपने आप को दोषी नहीं मानता था। वह तो स्वयं को सच्चा परोपकारी मानता था, जिसे लोग गलत समझ बैठे थे। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक अपने एक साक्षात्कार में उसने कहा था कि वह तो लोगों की भलाई करता है और अपनी कही इस बात पर उसे पूरा यकीन भी था। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस लीस से काफ़ी लंबा पत्राचार किया। उनका कहना है, इन जेल के बहुत कम अपराधी स्वयं को बुरा समझते हैं, वे भी वैसे ही इंसान हैं जैसे हम सब हैं, इसीलिए तो वे स्वयं को सही प्रमाणित करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। उनके पास यह बात साबित करने के पर्याप्त ठोस कारण होते हैं कि वह उन्होंने किसी पर गोली क्यों चलाई थी या फिर किसी तिजोरी को क्यों तोड़ा था। इसी तर्कों के आधार पर प्रत्येक अपराधी स्वयं को सही प्रमाणित करने की पूरी कोशिश करता है और स्वयं को सजा का हकदार भी नहीं मानता। अब यदि अल कैपोन दुनाली बंदूक कॉर्ले डस सटलज या फिर जेल की चार दीवारियों में चक्की पीस रहे अनगिनत अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो फिर वे लोग क्या करते हैं जिनसे हम सब प्रतिदिन मिलते हैं? जॉन वानामेकर, जो अमेरिकी स्टार्स की चेन के संस्थापक थे, उन्होंने यह स्वीकार किया था, बहुत वर्षों पहले मैंने यह समझ लिया था कि किसी और को दोष देना केवल मूर्खता है।
मेरे पास अपनी स्वयं की समस्याओं को ही पार करने की कितनी बड़ी मुसीबत है, तो फिर मैं इस बात पर अपना सिर क्यों पीटूं कि भगवान ने एक जैसी बुद्धि का उपहार सबको क्यों नहीं दिया है। वानामेकर ने तो यह सबक जल्दी ही सीख लिया था, लेकिन मैं यह 33 साल के बाद सीख पाया, जिस दौरान मुझे ढेरों गलतियां हो चुकी थी, और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितनी भी गलतियां कर ले, परंतु कभी भी उन्हें अपनी वह गलती दिखाई नहीं देती, कभी भी वे स्वयं की आलोचना नहीं करते। किसी को भी आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करना शुरू कर देता है, बहाने बनाकर तर्क देने लगता है। आलोचना बहुत खतरनाक भी होती है, क्योंकि उससे व्यक्ति के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है, और फिर उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए दुर्भावना भर जाती है। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक B.F. शिकनर ने अपने प्रयोगों से यह प्रमाणित कर दिया है कि आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, बल्कि आपके उस व्यक्ति से संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। यही बात जानवरों पर भी लागू होती है। जिस जानवर को उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है, वह उस जानवर से ज्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। महान मनोविश्लेषक हैंस सेल्वे ने भी कहा है, हर व्यक्ति सराहना प्रशंसा का भूखा होता है, हर व्यक्ति निंदा से डरता है। निंदा या आलोचना से परिवारों के सदस्यों, मित्रों, कर्मचारियों, सहकर्मियों सभी का मनोबल कम हो जाता है, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। एनी डोकलहामा के जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। उनका काम था फील्ड में काम कर रहे हर कर्मचारी का ध्यान रखना। प्रत्येक कर्मचारी के लिए फील्ड में हेलमेट पहनना जरूरी होता था। पहले जब कोई भी कर्मचारी बिना हेलमेट लगाए होता था तो वे आग बबूला हो जाते थे और उसे नियमों का उदाहरण देते थे। उसका परिणाम यह निकलता था कि कर्मचारी मरे मन से उनके आदेश का पालन करते हुए उसके सामने तो हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उसके जाने के बाद तुरंत हेलमेट निकाल देते थे। उसने कोई नई युक्ति प्रयक्षण करने के बारे में सोचा। अब जब भी वह किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखता था तो उससे पूछता था कि क्या वो हेलमेट आरामदायक नहीं है या फिर उसके सिर पर सही से फिट नहीं हो रहा है। उसने बातों बातों में उन कर्मचारी को यह भी आभास करा दिया कि हेलमेट उनके सुरक्षा के लिए है, न कि कोई बोझ के परिणाम स्वरूप। सभी कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनने शुरू कर दिए और मिस्टर एनिट के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना भी नहीं आई। इतिहास इस बात का गवाह है कि निंदा या आलोचना से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। पहला सबसे बड़ा उदाहरण थियोडोर रूजवेल्ट तथा राष्ट्रपति टेफर्ट के विवाद का है। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में बंटवारा करा दिया, वुडरो विल्सन को व्हाइट हाउस में बैठने के लिए मजबूर कर दिया तथा पहले विश्व युद्ध में भरे भरे शब्दों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी तथा इतिहास का तो रुख ही बदल दिया। सन 1908 में रूजवेल्ट व्हाइट हाउस से बाहर चले गए तथा उन्होंने टेफर्ट को पूर्ण सहयोग दिया जो राष्ट्रपति चुन ले गए। फिर शेरों का शिकार करने के लिए रूजवेल्ट अफ्रीका चले गए। उनके लौटने तक परिस्थितियां बदल चुकी थी, जिनको देखकर वे आग बबूला हो गए। फिर अनुदारवाद के लिए उन्होंने टेफर्ट को आलोचना करना आरंभ कर दिया और फिर तीसरी बार स्वयं ही राष्ट्रपति बनने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने बुल मुश नामक पार्टी का गठन किया और GOP को लगभग धराशाही कर दिया। अगले चुनावों में विलियम हॉवर्ड टेफर्ट तथा अपने रिपब्लिकन पार्टी की पूरी तरह पराजय हुए और केवल दो राज्यों उठा था वर्मोंट में ही विजय प्राप्त हुई। यह इस पार्टी की अब तक की सबसे लज्जाजनक पराजय थी। रूजवेल्ट ने इस पराजय के लिए टेफर्ट को दोषी माना, लेकिन क्या स्वयं राष्ट्रपति टेफर्ट ने अपने आप को दोषी माना होगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। आंखों में भरे आंसू भरकर टेफर्ट ने बस इतना ही कहा, मैंने जो कुछ भी किया इसके अलावा और कोई क्या कर सकता था। आखिर दोष किसका था, टेफर्ट का या फिर रूजवेल्ट का, कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं। मैं इस बात की चिंता भी नहीं करता। मैं तो केवल बस इतना कहना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की इतनी निंदा भी टेफर्ट से यह मनवाने में कामयाब नहीं हो सकी कि दोष उनका था। तो क्या लाभ हुआ इन सब भर्त्सनाओं का? कुछ भी तो नहीं। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भर गई और टेफर्ट तो अपने पक्ष में तर्क देने लगे। यही तो मानव स्वभाव है, हर कोई यही तो करता है। प्रत्येक अपराधी अपना दोष दूसरे के सिर पर थोप देते हैं। कभी वह विपरीत परिस्थितियों को दोषी ठहराता है, परंतु अपने ऊपर किसी को कोई कलंक नहीं लगने देता। इसीलिए अगली बार किसी को भी आलोचना करने से पहले अल्कोपेन, दुनाली बंधु कॉर्ले तथा अल्बर्ट हॉल को जरूर याद कर ले। आलोचना तो बूमरैंग की भांति लौट कर हमारे पास
खांसी आती है। अर्थात आलोचना करने वालों को स्वयं अपनी ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। हमें यह बात भी अपने मस्तिष्क में बिठा कर रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर जिसे सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं, वह उसके अंदर में या तो अपने पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत करेगा या फिर शिफ्ट व विनम्र टैफट की भांति यह कह देगा, जो कुछ भी मैंने किया इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय भी तो नहीं था। 15 अप्रैल सन 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस के एक बड़े कमरे में रखा हुआ था। यह कमरा फोर्ट थिएटर के ठीक सामने था। जॉन विल्किस बूथ ने लिंकन को गोलियों से छन्नी कर दिया था। लिंकन का वह बिस्तर उसके हिसाब से काफी छोटा था। राजा वॉलर की विख्यात पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल उसके बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। रक्षा मंत्री स्टेटन ने लिंकन के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़े होकर लोगों से कहा, लोगों के हृदय पर राज करने वाला संसार का सर्वश्रेष्ठ शासक अब हमें छोड़कर चला गया। लिंकन में लोगों को दिल जीतने की ऐसी कौन सी कला थी? क्या रहस्य था उनकी सफलता का? पूरे 10 सालों तक मैंने लिंकन की अनेक जीवनियां पढ़ी तथा एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में तो मैंने पूरे 3 वर्ष लगा दिए। मेरा यह विश्वास है कि लिंकन के घरेलू और सामाजिक जीवन तथा उनके पूरे व्यक्तित्व का जितना अध्ययन मैंने किया है शायद ही किसी अन्य ने किया हो। मैंने यह भी अध्ययन किया है कि लिंकन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। क्या वो दूसरों की निंदा करते थे? हाँ बिल्कुल। अपनी युवा अवस्था में इंडियाना की पिंजन क्रिक वैली में न केवल लोगों की आलोचना करते थे वरन पत्रों तथा कविताओं के माध्यम से लोगों का उपहास भी करते थे। वे उन्हें प्रकाशित भी करवाते थे। एक ऐसे ही पत्र से एक बार घृणा की आग ऐसी भड़की कि वह जीवन भर जलती रहे। इलिनॉय के वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते समय भी लिंकन खुलकर अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे तथा उन्हें समाचार पत्रों पर प्रकाशित करवाते थे। लेकिन एक बार तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। सन 1842 में लिंकन ने जेम्स सेटलर्स नाम के घमंडी तथा चिरचिरे राजनेता पर एक व्यंग भेजा जो स्प्रिंगफील्ड के समाचार पत्र स्प्रिंगफील्ड जर्नल में छप गया। सारा शहर सेटलर्स का मजाक उड़ा रहा था। ऐसे में सेटलर्स के क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। फिर उसने पता लगा ही लिया कि यह पत्र लिंकन ने लिखा था। सेटलर्स घोड़े पर सवार होकर लिंकन के सामने गया तथा उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध पक्ष में नहीं थे लेकिन अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्हें कई हथियार के विकल्प दिए गए और बाहें लंबी होने के कारण लिंकन ने तलवारबाजी को चुना। इसके लिए वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उस दिन सेटलर्स और लिंकन आमना सामना मिसिसिपी नदी के तट पर हुआ। ऐसे में एक की मौत तो निश्चित थी लेकिन आखिरी क्षणों में उनके मित्रों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। हालांकि लिंकन के जीवन की यह सबसे दुखद घटना थी लेकिन इस घटना से उन्होंने एक सबक भी सीख लिया। उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखे, लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। फिर तो उन्होंने अपने शब्दकोश में से आलोचना शब्द को ही निकाल फेंका। फिर लिंकन ने गृह युद्ध के समय पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल नियुक्त किए और प्रत्येक जनरल मैक्स लेनन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीड सभी ने बड़ी बड़ी गलतियों की लेकिन लिंकन हताश होकर फर्श पर इधर से उधर घूमते रहते थे। लेकिन लिंकन, जिनका हृदय दुर्भावनाओं से नहीं बल्कि सद्भावनाओं से परिपूर्ण था, एकदम शांत रहे, किसी की भी आलोचना नहीं की। उसके प्रिय शब्द तो ये थे, किसी की भी आलोचना भूलकर भी मत करो, इससे आपको भी आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार प्रसिद्ध टेस्ट पायलट बॉब ह्यूबर प्रायः एयर शो में प्रदर्शन करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में भाग लेने के पश्चात लॉस एंजलिस में अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक ही हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया लेकिन इससे किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। हाँ, जहाज का जो काफी नुकसान हो गया। नीचे उतरने पर बॉब ह्यूबर ने सबसे पहले हवाई जहाज के ईंधन की जाँच पड़ताल की। वह यह देखकर चकित रह गए कि उनके दूसरे विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज में गैसोलीन के स्थान पर जेट का ईंधन डाल दिया गया था। फिर उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पता लगाया जिसने उनके हवाई जहाज की सर्विस की थी। वह यह युवा मैकेनिक था और स्वयं ही अपनी गलती पर शर्म से पानी पानी हो रहा था। जैसे ही ह्यूबर उसके समीप पहुंचे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी जरा सी लापरवाही की वजह से 3 जिंदगियां भी जा सकती थी और हवाई जहाज का तो काफी नुकसान हो ही चुका था। सोचिए उस समय उस मैकेनिक की शक्ल देखकर ह्यूबर को कितना क्रोध आया होगा। उसे फटकार लगाने, यहां तक उसे मारने का भी मन किया होगा।
लेकिन ह्यूबर्ग ने मैकेनिक को डांट लगाना तो दूर, उसकी आलोचना तक नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा, तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ तथा तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे, मेरी इच्छा है कि कल ही तुम मेरे F-51 हवाई जहाज की सर्विसिंग करो। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों की आलोचना करते नहीं थकते। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ऐसा करने से रोक रहा हूँ? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि आप उनकी आलोचना करने से पहले अमेरिकी पत्रिका के एक प्रसिद्ध लेख फादर फॉरगेट्स को अवश्य पढ़ ले। पहली बार यह लेख पीपल होम जर्नल के एक संपादकीय के रूप में प्रकाशित हुआ था। रीडर डाइजेस्ट में इसकी लघु रूपांतरण इस प्रकार प्रकाशित हुई थी, कुछ लेख गहन अनुभूति के किसी विशेष क्षण में लिखे जाते हैं और वही लेख पाठकों के दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक लेख फादर फॉरगेट्स भी है। अब यह लेख लगातार पुनः प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक W. लिविंगस्टोन लार्नेड का कहना है, यह लेख हजार अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है। कई विदेशी भाषाओं में भी यह लेख उतना ही सफल हुआ। मैंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत तौर पर यह अनुमति दी है कि वे इसका प्रयोग चर्च, स्कूल तथा लेक्चर प्लेटफॉर्म में कर सके। असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर प्रकाशित हो चुका है। कॉलेजों की पत्रिकाओं तथा हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छप चुका है। कई बार लघु लेख ही रहस्यमय कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ है। फादर फॉरगेट्स, प्रत्येक पिता यह याद रखे, जरा सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा हाथ तुम्हारे कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे पसीने में तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कमरे के अंदर आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले मुझे बहुत पश्चाताप हुआ जब मैं पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहा था। इसीलिए तो मैं आधी रात के समय किसी अपराधी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हुआ हूँ। ये हैं वे बातें जिनके बारे में मैं सोच रहा था बेटे। आज मैंने तुम पर बहुत क्रोध किया था। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट पिलाई थी। तुमने तौलियों की जगह पर्दे में हाथ पोछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी मैंने तुम पर क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे द्वारा बिखरी गई चीज़ों से भरा पड़ा था। इसके लिए भी तुम्हें बहुत कोसा था। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था। कारण तुमने खाने की मेज पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला था और चपर चपर की आवाज आ रही थी। तुम्हारी कुहनियाँ मेज पर थी। तुमने टोस्ट पर बहुत ज़्यादा ही मक्खन लगा लिया था। केवल इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस जाते वक्त भी जब तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय डैडी बोला तब भी मैंने तुम्हें गुस्से से टोक दिया था। जरा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। ऑफिस से लौटने पर भी मैंने देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे हो। तुम्हारी जुराबों में छेद हो गए थे और तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे थे। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाया और तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें अपमानित कर दिया। पता है जुराबे कितनी महंगी हो गई है, कपड़े कितने कीमती हैं। जब स्वयं अपनी कमाई से खरीदोगे तब जाके पता चलेगा। यही सब तो मैंने कहा था और एक पिता अपने बच्चों को इससे अधिक दिल किस प्रकार दुखा सकता है। तुम्हें तो यह याद ही होगा कि रात को जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम मेरे कमरे में आए थे तो तुम कितने सहमे हुए और आतंकित थे। तुम्हारी आंखों में झलक रहा था तुम्हारे सीने की चोट। जब भी मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह झिड़क दिया था। कभी तो चैन से देने दिया करो और तुम दरवाजे पर ही मूर्ति बन गए थे। तुम कुछ भी बोले नहीं थे, मेरे पास भागकर आए थे और मेले गले में अपनी बाहें डाल दी थी और मुझे चुमा था और फिर गुड नाइट डैडी कहकर एकदम गायब हो गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की पकड़ ऐसी मजबूत थी कि वह एक एहसास करा रही थी। इतनी अपेक्षा के बावजूद तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी भी मुरझाया नहीं है और फिर तुम सीढ़ियों पर जोर से खटखट करके चढ़ गए थे। हाँ बेटे, इस घटना के कुछ क्षणों के बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मैं आत्मग्लानि में डूब गया। आखिर मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ? मेरी आदत डांटने फटकारने पर पड़ती जा रही है। अपने बच्चों को मैं यह कैसा बचपन दे रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है? लेकिन मुझे तुमसे कुछ अधिक ही आशाएं हैं और मैं तुम्हारे बचपने को अपनी उम्र की तराजू पर तौलने लगा। तुम बहुत प्यारे हो, सच्चे हो और अच्छे हो।
तुम्हारा नन्ना सा मासूम सा हृदय तो चौरी पहाड़ी के पीछे से उगती सूरज की भांति विशाल है। तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़प्पन है, तभी तो इतनी डांट के बावजूद तुम मुझे गुड नाइट किस देने आ गए थे। तुम में कोई मैल नहीं। यह रात बस इसलिए इतनी खास है मेरे बेटे, मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के सराहने घुटनों के बल बैठा हूँ, लज्जित अपमानित तुमसे बहुत छोटा। यह तो केवल एक दुर्बल पश्चाताप है। मुझे मालूम है कि अगर मैं तुम्हें जगाकर यह बातें बताऊंगा तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे, लेकिन मैंने सोच लिया है, कल से मैं तुम्हें प्यारा पापा बनके दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातों में पूरे दिल से सुनूंगा, तुम्हारे सुख दुख सब बांटूंगा। अगली बार तुम्हें डांटने से पहले अपनी जीभ को अपने दांतों के नीचे दबा लूंगा, यह मंत्र हमेशा रटता रहूंगा। मेरा बेटा तो अभी बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मासूम बच्चा। अब मुझे अपनी सोच पर बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा मानने लगा था, लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो एकदम निश्चिंतता के साथ, तो बेटे मुझे यह एहसास हो गया तुम अभी छोटे से बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में झूलते थे, उनके कंधे पर सिर रख कर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बांध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। तो इस लेख का भी यही सार निकला है कि लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें यह जानने समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो वे काम करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। परिस्थितियों पर ध्यान देना बहुत रोचक व लाभदायक सिद्ध होता है, इससे माहौल हल्का फुल्का बना रहेगा। सबको समझ लेने का मतलब सबको माफ कर देना ही होता है। भगवान स्वयं आदमी की मृत्यु से पहले उसका निर्णय नहीं करता, ऐसा डॉक्टर जॉनसन का कहना था। तो फिर मैं या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कभी भी किसी की बुराई मत करो, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो।